हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें है क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं। तो क्वाड्रिलेटर देखिए कि अगर कोई फिगर हमारा फोर साइड से क्लोज्ड है, ठीक, जैसे हमने ये बनाया, तो इसे हमने बोला ए बी सी डी। ए बी सी डी ये क्या कहलाएगा, हमारा क्वाड्रिलेटर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, फोर साइड से क्लोज्ड है। देखो, ए बी एक साइड हो गई, बी सी डी सी और ए डी, तो फोर साइड से क्लोज्ड कोई कर्व हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटर कहलाता है। अब देखिए, इसके अंदर वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो कितनी वर्टेक्स है, ए बी सी डी, ठीक है। तो अगर हम साइड की बात करते हैं, ए बी बी सी डी सी और ए डी, ये हमारी साइड हो गई। अब इसके बाद अगर हम इसकी वर्टेक्स की बात करते हैं, तो देखिए वर्टेक्स कितनी है अपनी इसकी, ए बी सी डी, कितनी वर्टेक्स है अपनी, फोर वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी। इसके बाद अब देखिए, अब हम क्या बोलते हैं, इसके एंगल की, एंगल कितने हैं इसमें क्वाड्रिलेटर में, तो देखिए एंगल्स की अगर हम बात करें तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। देखो, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये एंगल है और अपना ये एक एंगल है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने कितने हो गए, फोर एंगल हो जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि देखिए, हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी के अपोजिट साइड क्या है, डी सी। इसी तरीके से ए डी के अपोजिट साइड क्या है, बी सी। तो हम ये बोल सकते हैं ए बी एंड डी सी एंड ए डी एंड बी सी आर द पेयर ऑफ अपोजिट साइड। तो आपको अपोजिट साइड भी समझ में आ गई। और इसी तरीके से हम इसको फाइंड कर लेंगे, वर्टेक्स आपकी हो गई, एंगल और साइड आपके हो गए हैं। अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं एंगल डी, एंगल डी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी है, ठीक है। तो अगर अपोजिट एंगल की बात करें तो एंगल डी एंड एंगल बी आर अपोजिट एंगल, ठीक है। उसी तरीके से एंगल ए एंड एंगल सी, ये भी क्या है अपने, अपोजिट एंगल है, ठीक है ना, ये इसके अपोजिट होता है, ये इसके अपोजिट होता है। इसी तरीके से ए और बी, अगर हम ए और बी की बात करें तो देखो, एक ही लाइन पर जब कोई दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, ये और ये, तो इन्हें क्या बोलेंगे अपन, एडजेसेंट एंगल। तो एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट बोलते हैं, ठीक है। देखो, एक लाइन पर बन रहे हैं दोनों, जैसे अगर हमने बोल दिया एक ही ए और एक ही, एक ही लाइन पर बन रहे हैं ना ए और बी, तो जब एक लाइन पर अगर दो एंगल बनते हैं तो ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं अपने, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। तो देखो, ए बी एक एंगल है, ए बी लाइन है, इस पर देखो एक एंगल ए बन रहा है, एक एंगल बी बन रहा है, तो ए और बी ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। इसी तरीके से डी सी भी हमारी क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। अगर इस लाइन की बात करते हैं ए डी की, तो ए और डी भी एडजेसेंट कहलाएंगे, और बी सी अगर लाइन की बात करते हैं तो बी और सी भी हमारे क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, ठीक है। तो ए बी एडजेसेंट एंगल हो गए अपने। इसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल डी एंड एंगल सी, ये भी एक लाइन पर बन रहे हैं ना, एंड ये हो गया। इसके बाद देखो, ए और डी, ए और डी भी होंगे ना, तो हम बोलेंगे एंगल ए एंड एंगल डी। इसके बाद अब देखो, ये हो गया। इसके बाद बी सी की बात, अगर ये लाइन की बात करते हैं अपन इस लाइन की, तो एंगल बी और एंगल सी इसी लाइन पर बने हुए हैं, तो हम बोल सकते हैं एंगल बी एंड एंगल सी, ये भी क्या हो गए हमारे, एडजेसेंट हो गए। तो ये सब क्या है अपने, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हैं। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि एडजेसेंट क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर और एक्सटीरियर क्वाड्रिलेटर। तो देखिए, अगर हम इंटीरियर क्वाड्रिलेटर की बात करते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देखिए अब अगर जैसे मैंने क्वाड्रिलेटर बनाया, अब देखो साइज अपनी शेप कैसी भी हो सकती है, क्वाड्रिलेटर हमेशा क्या होना चाहिए, फोर्थ साइड से क्लोज्ड होना चाहिए। तो हमारा फोर्थ साइड से ये क्या है, क्लोज्ड है। तो इसे हमने बोल दिया ए बी सी डी, ये पॉइंट है। अगर मैं अब इंटीरियर क्वाड्रिलेटर की बात करती हूँ, तो इंटीरियर क्वाड्रिलेटर क्या है, अंदर का पार्ट है,
इसके अंदर का, अगर इसे मैंने मानो पॉइंट लिखा एस और टी, ठीक है, एस और टी लिखा, तो अब अगर हम बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट की, तो हमारे इंटीरियर पॉइंट क्या कहलाएंगे, जो इस क्वाड्रिलेटर के अंदर है। तो इस क्वाड्रिलेटर के अंदर क्या है, एस और टी है, इस क्वाड्रिलेटर के अंदर है हमारे। देखिए अब इंटीरियर पॉइंट हो गए, अब अगर हम एक्सटीरियर की बात करते हैं तो देखिए एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, जो इस क्वाड्रिलेटर के बाहर हो, जैसे हमने बोला पी, हमने बोला क्यू, एक हमने लिख दिया आर। अब देखो क्वाड्रिलेटर तो हमारे क्या था, ए बी सी डी, अब इसके अंदर वाले पॉइंट तो इंटीरियर हो गए, इसके बाहर पॉइंट क्या है हमारे, पी क्यू आर, तो एक्सटीरियर पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, पी क्यू आर हो जाएंगे। देखिए तो एक्सटीरियर बाहर का हो गया, अब अगर मैं मानो इस बाउंड्री पर अगर हमने जैसे लिख दिया वाई, ठीक है, वाई पॉइंट क्या इस बाउंड्री पर है, ये ए वर्टेक्स यहीं पर होगी ना, ए बी सी और डी ये भी हमारे क्या है, बाउंड्री पर है, ना तो अंदर है ना तो बाहर है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, तो हम लिख देंगे बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट अपने क्या हो जाएंगे, देखो क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और एक देखो वाई भी है ना, वाई भी इस बाउंड्री पर है, ए भी बाउंड्री पर है वाई, तो एक क्या हो जाएगा वाई। तो इस तरीके से इंटीरियर एक्सटीरियर बाउंड्री पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं। अंदर वाले पॉइंट को इंटीरियर बोलेंगे, क्वाड्रिलेटर के बाहर जितने भी पॉइंट हैं उन्हें एक्सटीरियर बोलेंगे, और जो पॉइंट इस बाउंड्री पर है क्वाड्रिलेटर की, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री पॉइंट बोलेंगे। अब देखिए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटर्स। तो देखिए कॉनकेव, पहले हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। तो हम एक ट्रायंगल, एक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं। तो देखिए ये हमने क्वाड्रिलेटर बनाया, ए बी सी डी, ठीक है, ये लाइन बिल्कुल सीधी बनाना, ठीक है। तो अब एक क्वाड्रिलेटर क्या मिला मुझे, ए बी बी सी और एक अपना कितना हो जाएगा, डी सी, ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटर है। अब अगर इसके डायगोनल हम बनाते हैं तो ए सी एक डायगोनल हो जाएगा और बी डी एक डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल क्या होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डायगोनल मिलते हैं। तो हमारे ए सी और बी डी डायगोनल हो गए। अब आपको क्या करना है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्या होता है कि जब हमारे डायगोनल क्या हो, इस क्वाड्रिलेटर के अंदर ही हो, ठीक है। जैसे ए सी और बी डी ये कहाँ हैं, ये हमारे क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी के अंदर ही है ना, तो जब डायगोनल क्वाड्रिलेटर के अंदर होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, ठीक है। और इसका एक कंडीशन, एक केस और है कि इसके जितने भी एंगल हैं ए बी सी डी, ठीक है ना, ऑल एंगल आर क्या होते हैं, लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। तो जब सारे एंगल हमारे कितने हो जाएंगे, लेस देन 180 डिग्री होंगे, जैसे ए बी सी डी, ये सब क्या होने चाहिए हमारे, 180 से कम होने चाहिए। अगर ये 180 से कम है और डायगोनल कहाँ हो हमारे, इस क्वाड्रिलेटर के अंदर हो, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इस टाइप के क्वाड्रिलेटर को, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। तो समझ में आया, ये अपना क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर हो जाएगा। अब अगर हम कॉनकेव की बात करते हैं तो देखो कॉनकेव क्वाड्रिलेटर ये क्या होता है अपना, अब हमने क्या करा है, डायगोनल हमारे क्या होने चाहिए, इसके अंदर नहीं होने चाहिए। तो अब जैसे हम बनाते हैं, ठीक है, ये हमने बनाया, अब इसको हटा दीजिए, देखो नेक्स्ट देखो वापस बनाते हैं।
तो अब देखिए, अब हमारे क्या है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटर क्या होगा हमारा, कि फोर पॉइंट है ना, देखो ए बी, ये क्या हो जाएगा सी और ये डी, तो ए बी सी डी। तो मैंने क्या बताया था आपको, क्वाड्रिलेटर के कितने वर्टेक्स होने चाहिए, फोर वर्टेक्स होने चाहिए, फोर साइड होने चाहिए और फोर ही एंगल होने चाहिए। तो ये सब है। अब अगर हम इसके डायगोनल की बात करते हैं तो अपोजिट साइड को मिलाएं, तो ए को हम किससे मिला देंगे, सी से मिला देंगे। तो ये देखो यहाँ से यहाँ पर है ना ए सी, इसी पॉइंट है अपना है ना ए सी, एक डायगोनल तो ये हो गया। अब एक दूसरे को मिलाते हैं, बी और डी को अगर हम मिलाते हैं तो देखो ये मिलेगा ना। अब ये जो डायगोनल है ए बी सी डी के अंदर है क्या, नहीं है। ये ये जो डायगोनल है ए बी सी डी के अंदर नहीं होने पर ये बाहर की तरफ है ना। तब अगर कोई एक डायगोनल हमारे क्वाड्रिलेटर के अंदर ना हो, बाहर की तरफ हो, तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटर को अपन क्या बोलते हैं, कॉनकेव क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। इस टाइप के क्वाड्रिलेटर क्या बोलेंगे, कॉनकेव। कॉनकेव में हमेशा एक डायगोनल हमारा कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। अब साथ ही हम क्या बोलेंगे, इसमें एक केस भी है, देखो ऑल एंगल्स आर नॉट लेस देन 180 डिग्री। देखिए जैसे एंगल ए 180 से कम है, एंगल बी भी अपना 180 से कम है, एंगल डी भी अपना कितना है 180 से कम है, लेकिन हमें सी की बात करें अगर हम, देखो सी यहाँ से यहाँ तक है ना, तो एंगल सी क्या है, रिफ्लेक्सिव एंगल है। तो हम क्या बोल सकते, एंगल सी इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो जब ये रिफ्लेक्स एंगल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि 180 से क्या होगा ये ज़्यादा, और कितना हो जाएगा 360 से कम, यहाँ पर सी आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या सी पर बन रहा है ना, तो सी क्या है 180 से तो ज़्यादा है, लेकिन 360 से क्या है कम। तो जो एंगल 180 से, जो भी एंगल हमारा 180 से तो ज़्यादा और 360 से कम होता है, तो ये एंगल हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, ठीक है। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो कॉनवेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटर आपको समझ में आए, देखिए वापस पढ़ते हैं। कॉनवेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, एक हमने पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया ए बी सी डी, इसमें हमने डायगोनल बना दिए ए सी और बी सी बी डी। अब अगर हमारे डायगोनल क्वाड्रिलेटर के अंदर है तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटर को अपन क्या बोलेंगे, कॉनवेक्स। और इसका एक इसके ऑल साइड ऑल एंगल्स, ठीक है ना, ए बी सी डी ऑल एंगल्स इसके होते हैं लेस देन 180 डिग्री होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब हमारा कॉनवेक्स कहलाएगा। कॉनकेव क्वाड्रिलेटर क्या होता है, हमने क्वाड्रिलेटर बनाया जिसमें एक डायगोनल कोई सा भी क्या होगा, इस क्वाड्रिलेटर के बाहर की तरफ होगा। अब जैसे बी डी है, बी डी क्या है, डायगोनल है। अब ए बी सी डी इस क्वाड्रिलेटर के बाहर है, तो एक कोई डायगोनल बाहर हो गया। दूसरा हम क्या बोलेंगे, इसके तीन जो चार एंगल हैं वो चारों एंगल क्या होने चाहिए हमारे, 180 से कम नहीं होने चाहिए। यानी कोई एक एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, 180 से ज़्यादा, यानी रिफ्लेक्सिव एंगल होना चाहिए। तो जैसे हमने ए क्या हो गया हमारा 180 से कम है, बी भी 180 से कम है, सी भी हमारा 180 से कम है, लेकिन ये जो हमारा सॉरी डी भी 180 से कम है, और ये सी वाला एंगल है हमारा, ये क्या है हमारा, सी रिफ्लेक्सिव एंगल है। और रिफ्लेक्सिव एंगल किसे बोलते हैं, 180 से ज़्यादा बट 360 से कम। तो ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो इस तरीके से ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटर हुआ, ये कॉनवेक्स क्वाड्रिलेटर हुआ। देखिए नेक्स्ट है अपना पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है हमारे, पैरेललोग्राम में हमारे अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल एंड पैरेलल। तो जैसे हमने ये लिया, देखिए ए बी सी डी, तो पैरेललोग्राम क्या होता है, ये भी क्वाड्रिलेटर का टाइप है। तो अब इसमें पैरेललोग्राम में हमारे क्या है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए। जैसे ए बी इक्वल डी सी, अगर मानो हमने इसे बोला 7 सेंटीमीटर, ए बी 7 सेंटीमीटर है, तो डी सी भी हमारी कितनी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरीके से ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। जैसे हमने बोला AD को हमने बोला 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो BC भी हमारा कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो अपोजिट साइड आर इक्वल, AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC, ये हमेशा होगा।
और सेकंड चीज़ क्या होती है, हमारी ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। अब पैरेलल आपको पता है, कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है दैट मीन्स उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। दो लाइन है उनके बीच का डिस्टेंस अगर इक्वल है, जैसे मानो मैंने इसको बोला एस और ये है टी, ठीक है, उसी तरह से ये है पी और ये है क्यू। देखिए जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं कि हमने क्या बोला, ए बी लाइन पैरेलल है डी सी के, तो हमने क्या बोला ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। देखिए पैरेलल का साइन होता है ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड, और क्या होगा हमारा, ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। अब पैरेलल आपको पता ही है, जैसे हमने कोई दो लाइन बनाई, ठीक है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, जैसे मैंने बोला एस टी पी क्यू, तो एस टी पी क्यू पैरेलल होगी, कब होगी, जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल। जैसे अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, अगर ये कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी हमारी क्या होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर। मतलब अब आप क्या करोगे, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि इस लाइन का किसी भी पॉइंट को, इस लाइन के किसी पॉइंट से अगर हम जब मिलाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है ना, एल्टीट्यूड पे, तो वो हमेशा क्या आना चाहिए, 3 सेंटीमीटर आना चाहिए। तब मतलब क्या हुआ, इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी हमारी इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, एस टी इज़ अ पैरेलल टू पी क्यू, क्या हो जाएगा, एस टी इज़ पैरेलल टू पी क्यू। उसी तरीके से इस पैरेललोग्राम में हमारी क्या हुआ, ए बी लाइन डी सी लाइन के क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, यानी ए बी लाइन डी सी लाइन आगे जाके कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन को अगर हम एक्सटेंड भी करते हैं तो वो दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि एस टी और पी क्यू कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसी तरीके से ए डी लाइन बी सी लाइन की इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इसके बाद अपोजिट एंगल, देखो ए एंगल, ए के अपोजिट एंगल क्या है, सी है, एंगल डी के अपोजिट एंगल बी होता है। अब इसके अंदर बी को डी से मिला दीजिए, तो ये क्या हुआ, बी डी एक डायगोनल हुआ। इसी तरह से ए को जब हम सी से मिलाएंगे तो ए सी भी हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। तो इसमें पैरेललोग्राम में ज़रूरी नहीं है कि ए सी इक्वल टू बी डी हो, ठीक है ना, यानी डायगोनल इक्वल नहीं होते, बट ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे मानो अगर हमने ए सी बोला, ए सी आपने क्या बोला, हमने लिखा ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अगर ए से सी तक 6 सेंटीमीटर है और ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ओ है, तो ओ ए कितना हो जाएगा अपना 3 सेंटीमीटर और ओ सी भी अपना कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो ए सी टोटल कितना हुआ, 3 + 3 6 हो गया ना। इसी तरीके से अगर हमने बी डी की बात करी, बी डी हमने बोल दिया 8 सेंटीमीटर, तो बी से डी तक कितना है, 8 सेंटीमीटर है, और ओ ने इसे क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया है, तो डी ओ कितना हो जाएगा अपना 4 सेंटीमीटर और ओ बी भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो बी डी टोटल कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि पैरेललोग्राम में डायगोनल तो इक्वल नहीं होते, पर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी पॉइंट पर, तो बाइसेक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, ये भी 4, ये 3, तो ये भी 3। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको समझ में आई, अब अपन बुक से इसको रीड करते हैं। तो देखिए ये हमारा पैरेललोग्राम है, प्रॉपर्टी क्या होगी इसमें, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। तो देखो ए बी और डी सी ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। इसके बाद अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो देखिए एंगल ए जितना होगा ना उतना ही एंगल सी होगा, एंगल डी जितना होगा उतना ही एंगल बी होगा, तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, हमेशा इक्वल होते हैं। अब डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम नीड नॉट टू बी इक्वल बट दे बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो डायगोनल ज़रूरी नहीं है, जैसे ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी, बट वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी उसे हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये अपनी क्या हो गई, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो गई। देखिए नेक्स्ट है अपना रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी क्या होता है हमारा, 4 साइड से क्लोज्ड होता है। देखिए इस तरीके से, इसे हमने बोला ए बी सी डी। अब देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। जैसे ए बी अगर हमारा 3 सेंटीमीटर है तो डी सी भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर।
ए डी अगर आपका 2 सेंटीमीटर है तो बी सी भी अपना कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल में हमारी क्या होती है, अपोजिट साइड आर इक्वल, और इसमें एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये हमेशा याद रखना कि एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री, ऑल एंगल आर 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर किसी, जैसे किसी भी क्वाड्रिलेटर, रेक्टेंगल भी क्या है, क्वाड्रिलेटर का टाइप है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटर के अगर अपोजिट साइड इक्वल हो और ऑल एंगल आर 90 डिग्री, तो हम उस क्वाड्रिलेटर को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। तो रेक्टेंगल में आपको समझ में आया कि क्या होगा कि अपोजिट साइड इक्वल और ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो आइए इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद ईच एंगल एज अ राइट एंगल। यानी कि रेक्टेंगल को हम क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या होता है रेक्टेंगल में, कि हमारे ईच एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। जबकि पहले जो पैरेललोग्राम था उसे अपोजिट साइड इक्वल तो है, लेकिन यहाँ पर एंगल है, ठीक है। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री के नहीं है। बट अगर इस पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री के इसको बना दें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये अभी टेढ़ा हुआ है, ऐसे टेढ़ा बना हुआ है ना, तो ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी तिरछा है, तो इसको जैसे अपन सीधा करेंगे, तो ये क्या, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, जैसे हमने करा, अब हमारे पास क्या है कि पी एस, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है ना, तो पी एस इज ऑल्सो पैरेलल टू क्यू आर एंड पी एस इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू आर। इसी तरह से एस आर क्या हो जाएगा, इक्वल टू पी क्यू। अपोजिट साइड इक्वल है ना, और जब इक्वल है तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल भी, तो एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, ये भी होगा। अब देखो एंगल की बात करते हैं हम, तो हमने बताया था आपको एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल एस, ये सब क्या होते हैं हमारे, 90 डिग्री के होते हैं। तो अब प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपन, अपोजिट साइड आर द इक्वल लेंथ एंड आर पैरेलल टू ईच अदर, इक्वल भी होंगे पैरेलल भी होंगे, डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखो डायगोनल क्या है हमारे, एस क्यू और पी आर, ये क्या है, आपस में इक्वल हैं, और साथ के साथ हमें इक्वल बाइसेक्ट करेंगे, एंड ईच एंगल इज राइट एंगल, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने ये बनाया ही था रेक्टेंगल, तो आपको बोल दिया था ना अपोजिट साइड इक्वल है और ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल भी। तो हमने बोल दिया ए बी इज पैरेलल टू डी सी, इसी तरीके से ए डी इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी सी, इसके पैरेलल हो गए और इक्वल तो है ही सही, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी। इसी तरह से ए डी इज इक्वल टू बी सी, जो हमने पढ़ाई है। अब देखो डायगोनल बना दें, तो बी डी अगर मैंने इसे बनाया 4 सेंटीमीटर, तो ए सी भी अगर आपको पूछा है कि ए सी बताओ, तो ए सी भी अपना कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि बी डी अगर 4 सेंटीमीटर है, तो डायगोनल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ए सी भी कितना हो जाएगा अपना, 4 सेंटीमीटर। तो अगर क्वेश्चन आ जाए एक डायगोनल आपको दे दें और दूसरा डायगोनल आपसे पूछें, तो वो भी इसके इक्वल होता है। साथ ही ये दोनों डायगोनल जहाँ पर बाइसेक कर रहे हैं उसे ओ बोल रहे हैं, तो ओ से क्या करेगा, इसको डायगोनल हाफ बाइसेक करेगा। तो अगर मानो बी डी 4 है, तो डी ओ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, और ओ बी भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ओ डी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, इक्वल ओ बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ए सी है ना, ये भी कितना था, 4 सेंटीमीटर, तो ए ओ कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ओ सी भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, इक्वल ए ओ इक्वल ओ सी। तो इस तरीके से सारे हो गए, ओ डी, ओ बी, ए ओ और ओ सी, और सारे एंगल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, इस 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको याद रखना है अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। देखिए नेक्स्ट है अपना स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, ये भी 4 साइड से क्या होता है, क्लोज्ड होता है, देखिए। बट स्क्वायर में क्या होगा, ए बी सी डी, हमने बोला स्क्वायर में ऑल साइड आर इक्वल, दैट मीन्स अगर ए बी आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो बी सी भी आपका कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, डी सी भी 3 सेंटीमीटर, एंड ए डी भी कितना हो जाएगा अपना, 3 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है।
साथ में आपके एंगल्स, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल, जैसे बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी ए सी के इक्वल हैं। साथ में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि डायगोनल जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो किस कहाँ पर करेंगे, 90 डिग्री के एंगल पर करेंगे, यानी ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट भी होंगे और 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल भी बनाएंगे। तो जैसे हम बोलेंगे डी ओ सी, तो यहाँ पर एंगल ओ कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। तो देखिए ये 90, ये 90 एंड 90, ठीक है, यानी एक दूसरे को कहाँ पर करेंगे 90 पर बाइसेक्ट करेंगे। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ए बी और पैरेलल डी सी भी होगा। देखो ये इक्वल है ना, तो ये पैरेलल भी होंगी, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, तो ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज़ ऑल्सो पैरेलल टू बी सी एंड ए बी बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी इज़ क्या है 3 सेंटीमीटर, यानी सारी क्या हो गई, सब इक्वल हो गई ना अपने। उसके बाद ईच एंगल इज 90 डिग्री, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंड एंगल डी, ठीक है ना, इन सबको इक्वल कर दो ताकि बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा अपना 90 डिग्री। और ये जहाँ पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ये भी एंगल अपने क्या कहलाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, दैट मीन्स डी ओ सी एंड सी ओ बी, बी ओ ए एंड ए ओ डी ऑल आर 90 डिग्री। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। तो अब हम क्या करेंगे, डायगोनल हमारे क्या होंगे, ए सी इज इक्वल टू बी डी, इक्वल होते हैं, ठीक है, और ये बाइसेक्ट करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी अपन बुक से पढ़ते हैं। तो देखिए अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। इसके बाद देखिए अब है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर, हम क्या बोलेंगे, ईच एंगल इज राइट एंगल, ऑल साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ, सबकी क्या होनी चाहिए, लेंथ हमारी इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद डायगोनल आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और साथ ही क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है उसको हाफ हाफ में, ठीक है। तो अब देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने बी डी 6 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है ना, इज इक्वल टू अपन ने क्या ले लिया, 6 सेंटीमीटर ले लिया। तो जब बी डी 6 सेंटीमीटर है, ओ के यहाँ पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ओ से डी कितना हो जाएगा अपना, ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये पूरा 6 है तो ओ से बी भी अपना कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ए सी, जब बी डी 6 सेंटीमीटर है तो ए सी भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर। तो हम बोलेंगे ओ ए 3 सेंटीमीटर एंड ओ सी इट्स ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है ये देखो, पहले जो हमने इसे पहले रेक्टेंगल पढ़ा था उसमें भी प्रॉपर्टी थी, उसमें भी डायगोनल इक्वल थे, बस उसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या था, इसकी तो क्या है हमारी कि ऑल साइड आर इक्वल है, उसमें रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल थी, ठीक है ना, फर्स्ट डिफरेंस। और सेकंड इसमें क्या है कि इसके उसके जो रेक्टेंगल हैं उसमें डायगोनल इक्वल थे और बाइसेक्ट कर रहे थे बट 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे थे, जबकि स्क्वायर में यहाँ पर क्या बना रहे हैं, डायगोनल आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपको क्या करना है, सारी प्रॉपर्टी पढ़नी है, अच्छे से याद करनी है, साथ के साथ फिर उनको कंपेयर करते जाया करो कि किस में क्या डिफरेंस है, कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम स्क्वायर में, इन सब में क्या क्या डिफरेंस है। तो ऐसे अगर पढ़ोगे ना तो आप कभी भूलोगे नहीं प्रॉपर्टी और आपको सारी प्रॉपर्टी याद रहेंगी। तो स्क्वायर अपना अब आपको समझ में आया होगा, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल कर देंगे एंड अपोजिट साइड ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, एंगल हमारे 90 डिग्री के हो जाएंगे, डायगोनल क्या हो जाएंगे, इक्वल हैं, और क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है ना, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, डायगोनल शॉर्ट में लिख दिया, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। आपको प्रॉपर्टी मैंने बुक में से पढ़ाई है तो आप क्या करोगे, बुक में से कॉपी कर लोगे, ठीक है ना, बुक में आप देखोगे और सबको कॉपी करके आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट है अपना रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, इसमें भी क्या होती है, 4 साइड होती है, और 4 साइड जैसे हमने इसको ऐसे बना लिया, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है ऐसे बनाएं, ठीक है ना, 4 साइड लेनी है हमें, ये भी स्क्वायर की जैसा होता है, इसमें क्या होती है, 4 साइड इक्वल होती हैं। तो अब जैसे हमने बोला ए
बी सी और डी, तो ए बी सी डी हुए हमारे। अब हमने क्या बोला कि ऑल साइड आर इक्वल, रोम्बस में भी क्या होंगे, सारी साइड इक्वल होंगी, दैट मीन्स ए डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी। तो अब हमने जैसे बोला ये कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये भी हमारी क्या है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऑल साइड आर इक्वल, बट इसमें एंगल जो होते हैं ना वो 90 डिग्री के नहीं होते। अगर एंगल भी 90 डिग्री के हो जाते तो फिर रोम्बस किस में कन्वर्ट हो जाता, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। अब इसके जो डायगोनल होते हैं, जैसे हमने क्या बनाया, ए को सी से ज्वाइन कर दिया, अब बी और डी ज्वाइन कर दो, बी को डी से ज्वाइन कर दिया। तो जब ये डायगोनल होते हैं हमारे क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करेंगे और 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मानो ए सी हमारा कितना दे दिया हमने, 8 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। टोटल ए सी, ए सी अपना कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो ओ पर क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, कितना हो जाएगा अपना 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से बी डी है, बी डी ओ पर क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो बी डी जितना भी है, जैसे हम मानेंगे कि 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो और डायगोनल यहाँ पर एक दूसरे को कहाँ पर करते हैं, 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, ठीक है। अगर हमने बोल दिया एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ए ओ डी, इसी तरह से डी ओ सी भी 90 डिग्री है, और बी ओ सी भी कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो कई बार आपको क्या हुआ होता है, जैसे मानो मैंने ए सी लिखा, ठीक है ना, और मुझे बी सी पता है 4 सेंटीमीटर है, और मुझे ए सी पता है 8 सेंटीमीटर है, और ओ अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ओ से सी कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो आप बी डी निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस लगा के हम इन दोनों की सहायता से इस ये वाली साइड निकाल सकते हैं ओ बी, और जब पाइथागोरस से हम ओ बी निकालेंगे तो उसका डबल कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा हमारा बी डी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम रोम्बस में डायगोनल निकाल सकते हैं। तो अब इसके प्रॉपर्टी अपन बुक में से पढ़ते हैं। तो देखिए रोम्बस क्या है हमारा, अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल 4 साइड इक्वल, ठीक है ना, ये भी क्या है पैरेललोग्राम है, बट इसकी क्या है, इसकी ऑल साइड इक्वल है। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, ऑल साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ, अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि अपोजिट एंगल है ना, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, तो अपोजिट एंगल क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर, तो देखो ये डायगोनल है ए सी और बी डी, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बी डी जितनी भी होगी तो ओ क्या कर देगा, उसको हाफ कर देगा, तो डी ओ और ओ बी बी डी के क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से रोम्बस हो जाएगा। अब ये देखो सब में नोट भी डाला हुआ है, आप बुक में देखना नोट। अब एवरी स्क्वायर इज़ अ रोम्बस, हम क्या बोलेंगे, एवरी स्क्वायर इज़ अ रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। तो याद रखना कि हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर को एवरी स्क्वायर इज़ अ रोम्बस, स्क्वायर को तो हम रोम्बस बोल सकते हैं बट रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हम रोम्बस को स्क्वायर, इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि रोम्बस में ऑल एंगल आर नॉट अ 90 डिग्री एंगल। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता तो वो स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना, बट इसके अंदर अभी कुछ वो नहीं दे रखा कि भाई एंगल कितने भी हो सकते हैं, इसलिए हम स्क्वायर को क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर इज अ रोम्बस, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बट सारी प्रॉपर्टी तो इसी की तरह है ना, ठीक है। फिर हम क्या बोलेंगे, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। तो आपको ये जो नोट दे रखे हैं ना बुक में, इनको अच्छे से याद करना है, आपको उनको लिख लेना है अच्छे से, ठीक है। इसी तरह से अगर हम रेक्टेंगल भी हमने पढ़ा था तो उसका भी नोट आप याद रखना, ठीक है ना। अब देखो रेक्टेंगल का तो नहीं है, लेकिन हाँ ये स्क्वायर के बाद नोट है, तो इसको पढ़ लेना। इसमें क्या, ऑब्जर्व दैट अ स्क्वायर इज बोथ अ रेक्टेंगल एंड अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, तो इसमें दोनों का लिख दिया, स्क्वायर इज बोथ अ रेक्टेंगल एंड अ पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल भी है एंड पैरेललोग्राम भी है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी लिख दी। तो ये जितने भी नोट लिखे हुए हैं ना, ये आपको याद रहने चाहिए कि हम स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर इज बोथ अ रेक्टेंगल एंड अ पैरेललोग्राम। इसी तरीके से यहाँ पर एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट अ
स्क्वायर, तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट है अपना ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, हमारे अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जैसे हमने मानो ये बनाया, इसे ए बी सी डी, अब हम क्या करेंगे, ए को सी से ज्वाइन कर देंगे, उसी तरह से बी को डी से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ए सी और ए बी सी डी, ये हमारा ट्रेपेजियम कहलाएगा, जहाँ पर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कभी ये मत बोल देना ए बी इज इक्वल टू सी डी, इक्वल और पैरेलल होने में बहुत डिफरेंस होता है। तो हम क्या बोलेंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ट्रेपेजियम में हमेशा वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर क्या होती है, पैरेलल होती है। तो हमने क्या बोला, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब देखिए ए सी और बी डी ये पैरेलल नहीं होंगी, हम क्या बोलेंगे, ए सी इज नॉट पैरेलल टू बी डी। तो आपको ये याद रखना है कि ए सी बी डी के पैरेलल नहीं होंगी, बट ए बी इज पैरेलल टू सी डी होगा। अगर अब इसमें केस है, ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम। बट अगर इसका केस है कि अगर ए सी इज इक्वल टू बी डी हो जाए, क्या हो जाए, ए सी इज इक्वल टू बी डी हो जाए, ए सी इज इक्वल टू बी डी अगर ऐसा हो जाता है, तो फिर इस टाइप के ट्रेपेजियम को हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। तो हम लिख देते हैं इसको हम वापस लिख देते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। क्यों बोला आइसोसेलेस, क्योंकि ये साइड इस साइड की इक्वल है। अगर नॉर्मल ट्रेपेजियम होगा तो ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी होगा, ठीक है, क्या होगा, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी हो जाएगा, बी डी। बट अगर ए सी बी सी के इक्वल हो जाए, ए सी इज बी सी बी डी के इक्वल हो जाए, तो इस टाइप के ट्रेपेजियम को हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आपको समझ में आया, ट्रेपेजियम क्या होता है, हमको फोर साइड से क्लोज्ड है, जिसमें अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी, साथ ही ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी होगा। बट अगर इन द केस ए सी इज इक्वल टू बी डी हो जाए, तो इस टाइप के ट्रेपेजियम को फिर हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे। तो इसी अपन बुक में देखते हैं डेफिनेशन, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखिए अपने इसमें क्या है, ट्रेपेजियम में, ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटर विथ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। तो अब जैसे ये इसमें देखा ना आपने, पी क्यू इस पैरेलल टू क्या हो जाएगा, एस आर, या फिर यहाँ पर देखते हैं एम एन इस पैरेलल टू क्या हो जाएगा, पी ओ, क्योंकि वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो गया। इसके बाद देखिए आपको इसके अंदर दे रखा है कि एम एन इस पैरेलल टू पी ओ, जो हमने बोली दी आपको, द पैरेलल साइड आर कॉल्ड द बेस ऑफ द ट्रेपेजियम, जो पैरेलल साइड होंगी, तो याद रखना द पैरेलल साइड आर कॉल्ड द बेस ऑफ द ट्रेपेजियम। इसके बाद है आपका, इफ द नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, देखो अभी एम पी इज नॉट इक्वल टू एन ओ है, बट इन द केस अगर एम पी इज इक्वल टू एन ओ हो जाए, जैसे हमने एक नया बनाया ट्रेपेजियम, अब इसमें हमने कर दिया पी एस इक्वल टू क्यू आर, तो इसने कहा इफ नॉन पैरेलल साइड, अब ये पैरेलल तो है ही नहीं, अगर नॉन पैरेलल साइड हमारी इक्वल हो जाती है, देन द ट्रेपेजियम इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आपको याद रखना है, देखो अपोजिट साइड ये दोनों तो पैरेलल हैं, बट ये दोनों पैरेलल नहीं हैं। जब ये दोनों पैरेलल नहीं हैं लेकिन अगर इक्वल भी हो जाती हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और इक्वल भी नहीं है, पैरेलल तो होंगी नहीं और इक्वल भी नहीं है, तो सिंपल ट्रेपेजियम। और अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाती हैं, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। तो आपको ट्रेपेजियम की सारी प्रॉपर्टी याद रखनी है। देखिए नेक्स्ट है अपना काइट। काइट क्या होती है, काइट को बनाते हैं अपन। तो देखिए इसमें क्या होता है, अपनी जो एडजेसेंट साइड होती है ना, वो इक्वल होती है। जैसे हमने इसको आगे मिलाया, तो देखिए इसे हमने बोला ए बी सी डी। तो अब एडजेसेंट क्या होती है, एडजेसेंट साइड वो साइड होती है जिसकी एक कॉमन वर्टेक्स होती है। तो हमने क्या बोला, ए डी इज इक्वल टू ए बी। तो इसमें क्या होता है, काइट के अंदर जो एडजेसेंट साइड होती है वो इक्वल होती है, तो ए डी इज इक्वल टू ए बी। इसी तरीके से देखो, सी कॉमन वर्टेक्स है और सी से क्या बन रहा है अपना, सी बी एंड सी डी। तो अब क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू सी बी।
साथ ही अब जब हम इनके डायगोनलों को मिलाएंगे, जैसे हमने बोला इसके डायगोनल्स एक तो क्या होगा एसी और एक डायगोनल्स अपना क्या हो जाएगा बीडी। तो जब डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो आपको याद रखना काइट की प्रॉपर्टी क्या होगी, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो देखियो हमारी क्या हो गई, ए डी इज इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी, एंड डी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना बी सी या सी बी। साथ ही ये जब डायगोनल एक दूसरे को कट करेंगे तो कितने डिग्री, यहाँ पर से ऊपर कट करा तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी, बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है। तो आइए अपन बुक के अंदर इसको और रीड कर लेते हैं, ताकि आप बुक में से ही आपको क्या करना है, जब अगर आपको कॉपी में आप लिखोगे ना तो बुक, जब जैसे मैं आपको बुक दिखा रही हूँ ना, तो आपको यहीं पर वीडियो को पॉज कर लेना है और बुक में से लिख लेनी है इनकी सबकी डेफिनेशन। और अगर आपके पास बुक है तो फिर आप अपनी बुक में से लिखिएगा। तो देखिए काइट की क्या डेफिनेशन है, अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। ठीक है ना, तो अब ये देखिए क्या हुआ, डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और एडजेसेंट साइड हमने बोल ही दिया इक्वल है, तो देखिए डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू जेड, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई जेड हो गया। और हम क्या बोलेंगे डब्ल्यू वाई, देखिए डब्ल्यू वाई क्या है, डब्ल्यू वाई परपेंडिकुलर टू एक्स जेड, ये क्योंकि परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और डब्ल्यू ओ जेड इज 90 डिग्री, सो वी कैन से दैट डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज अ काइट। तो आपको इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो अपन ने बनाया ही था काइट, अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बोल ही दिया ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल है, साथ के साथ आप क्या लिख दोगे ए सी इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा अपना बी डी। ठीक है ना, सो अब देखो ए ओ बी बोलो या ए ओ डी, कुछ भी बोल सकते हैं अपन, एंगल ए ओ डी ले लिया जैसे हमने, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 है तो ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 हो जाएगा। तो आप कोई सा भी एंगल लिख सकते हो, बी ओ सी भी लिख सकते हो, डी ओ सी भी लिख सकते हो, क्या आ जाएंगे हमारे 90 डिग्री आ जाएंगे। और ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल क्या करेंगे आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये अपनी काइट की प्रॉपर्टी होगी। तो अब आपको क्या करना है, मैंने जितनी भी डेफिनेशन लिखाई हैं आपको इस बुक में से समझाई हैं, और ये जितने भी मैंने आपको पूरे क्वाड्रिलेटर के टाइप्स समझाए हैं, इन सभी को आपको क्या करना है, कॉपी में लिखना है सारी डेफिनेशन है और सबकी सारी की सारी प्रॉपर्टी, जितने भी हमारे क्वाड्रिलेटर्स हैं ठीक है ना, इन सब की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो आज की क्लास अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।